हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना और आज हम बनाएंगे चौको रोल्स। तो चौको रोल्स बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहली बात तो वैलेंटाइन डे आ गया है, तो चॉकलेट डे पे अगर चौको रोल्स नहीं खाया तो फिर मज़ा नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते चौको रोल बनाना। और ये चौको रोल्स जो होते हैं बच्चे से लेके बड़े तक खा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने लिए हुए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो आप ड्राई फ्रूट्स में कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हमने लिया हुआ बादाम बारीक कटे हुए और थोड़े से पिस्ता। कंडेंस मिल्क ये मैंने घर पे ही बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी क्योंकि मैं घर का बनाया हुआ ही प्रेफर करती हूँ। ये है चौको पाउडर, आप देख सकते हैं, तो ये मैंने लिया हुआ है। ये कुछ बिस्किट्स लिए हैं, और बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं, पार्ले जी के या मिल्क के आते हैं, और भी बिस्किट्स आते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, ब्रिटानिया के आते हैं, ठीक है। और ये मैंने लिया हुआ है 1/4 कप मिल्क। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें ना तो हमें गैस ऑन करने की जरूरत है और ना ही हमें इसको बनाने में कोई दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बिस्किट्स को इस तरीके से तोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे बिस्किट्स हमने तोड़ दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, ये जार लेना है और इस जार में इन बिस्किट का एक पाउडर बना लेना है। तो चलिए इन्हें हम डाल देते हैं तरीके से और इसे ऐसे बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसका एक स्मूथ सा पाउडर रेडी कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, एक हमने इस तरीके का बाउल लिया है और इस बाउल में हमने इसे डाल देना है। इस पाउडर को अच्छे से डाल दीजिए, ये मैंने डाल दिया। और अब हम इसमें डाल देंगे ये चौको पाउडर, क्योंकि इसके बिना तो हमारी इसको बनना ही नहीं है, तो हमने इसे भी डाल दिया है। और इन दोनों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। फ्रेंड्स, ये बच्चे बड़े सभी खाते हैं और ये बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। और चॉकलेट के दिन, मैं तो चॉकलेट के बिना रह ही नहीं सकती, तो मुझे वैलेंटाइन डे में सबसे अच्छा दिन चॉकलेट डे लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स आपको खाने को मिलती हैं। वैसे तो रोज ही मिलती हैं, बट उस दिन की बात ही अलग होती है। अगर आपसे कोई रूठ गया है तो उसको मनाने के लिए भी ये तरीका बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, घर का बनाया हुआ ये कंडेंस मिल्क, तो हम इसको भी डाल देंगे। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि कंडेंस मिल्क मैंने कैसे बनाया है। तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमें क्या डालना है, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए और ये कुछ पिस्ता ऐड कर देंगे, ठीक है। और आप चाहें तो आप और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ता ऐड किया है, तो आप किशमिश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें चौको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी वैरायटी डालेंगे उतना अच्छा है। तो अभी तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूं, पर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें चौको चिप्स वगैरह। और इस तरीके से अब हमने देखिए मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे मिल्क। तो ये मिल्क आप देख रहे हैं मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ले रही हूं, इसीलिए मैंने मिल्क थोड़ा कम ही लिया है, क्योंकि हमें इसका एक अच्छा सा डो रेडी करना है, ठीक है। तो देखिए, इसे हम हाथ से भी मैश कर रहे हैं जिससे कि एक अच्छा सा डो रेडी हो जाए। और आप देख सकते हैं हमने 1/4 कप मिल्क लिया था और उसमें भी हमारा ये 1 टीस्पून
मिल्क बच गया है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं क्योंकि इसकी हमें बिल्कुल भी अब जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं ये डो भी हमारा रेडी हो गया है, तो इसीलिए मैंने हाथ से थोड़ा सा किया है मिक्स्ड आपस में। और फ्रेंड्स, एक बार आप इसे जरूर बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ये डो हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हमने ये ले लिया फॉइल, तरीके से आप बिछा लेंगे और उसके बाद हम ये बटर निकालेंगे इस तरीके से, और बटर को हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं हमने इसको ग्रीस कर लिया है अच्छे से, और अब हम ये जो जो हमने डो रेडी किया है फ्रेंड्स, इसको हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा स्टिकी है बट वो अभी ठीक हो जाएगा। तो ये डो हमने इस तरीके से फैलाना है। उसके बाद हम ये लेंगे बेलन और इसको इस तरीके से हल्का हल्का हम इस तरीके से रोल कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको धीरे से उठाना है और अच्छे से इसको देखिए इस तरीके से हमें उठा करके रोल करते जाना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये रोल हो रहा है, ये हो गया हमारा रोल इस तरीके से। इसके बाद हमें इसे टाइटली इस तरीके से रोल कर देना है, टाइटली रोल करके इसका एक टॉफी स्टाइल हमें बना देना है कुछ इस तरीके से। और इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम इसको ये 2 घंटे हो गए हैं, 2-2.5 घंटे हो गए हैं, और अब हम इन्हें ओपन कर लेते हैं। अब हम इसके करेंगे पीसेस, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसके पीसेस करेंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप से ही आएगा कटने के बाद। तो इस तरीके से हम सारे पीसेस रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये सारे अच्छे से कट गए हैं, और आप ये देखिए कितना अच्छा इसमें लग रहा है कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए बहुत सारे, ये देखिए ड्राई फ्रूट्स भी आपको इसमें दिख रहे हैं। तो चलिए हम इनकी प्लेटिंग कर देते हैं, और आप चाहें तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप इस तरीके से कुछ इस तरीके से हल्के से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, हल्का सा ऊपर से आप इस तरीके से लगा सकते हैं गार्निशिंग के पर्पस से। और देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लगने लगा ये। बहुत सुंदर लग रहा है, तो इस तरीके से आप गार्निश कर सकते हैं। थोड़े से पिस्ता ऐड कर सकते हैं इसमें, और थोड़े से बादाम जैसे मैंने लगा दिए हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स आपका फेवरेट है आप उसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चोको रोल्स हमारे पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।